Every day when we wake up, the most common news we hear is a girl being raped. रेप जब लोगों को करने में शर्म नहीं आती तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठाने में क्यों शर्म आती है? वो चीखती रही, चिल्लाती रही, सड़क के किनारे पड़ी रही, गुजरते रहे आसपास से दुनिया वाले, गुजरी कई गाड़ियां वहां से, गुजरी थी एम्बुलेंस भी, लेकिन जब तक देश जागा निकल चुकी थी उसकी रूह भी। निकली थी वो खेलने, किसी और का खिलौना बन गई। अरे अभी उसकी उम्र क्या थी, हैवानियत का शिकार बन गई। 8 साल की बच्ची थी वो, ना जाने कितनों का शिकार बन गई। चीखी होगी, चिल्लाई होगी, पर उसकी आवाज़ किसी के कानों तक ना आई होगी। मुंह पे हाथ रख के जब हैवानों ने उसका गला दबाया होगा, एक के बाद एक हैवानियत का असली चेहरा सामने आया होगा। उस दिन तो खुदा भी इंसान से घबराया होगा। रखकर उसे मंदिर में कतरा कतरा तुम उसका खा गए, अरे उस दिन तो पत्थर की मूर्ति से भी आंसू आ गए। क्या आपने कभी सोचा है रेप होते क्यों है? जब एक लड़की सड़क पर चलती है तो खुद को अनसेफ फील करती है, किसकी वजह से? लड़की देर रात तक घर से बाहर है और वो सेफ नहीं है, किसकी वजह से? बस स्टैंड पर अगर 2 मिनट भी बस लेट हो जाए तो वो घबराती है, किसकी वजह से? हद तो तब हो गई जब एक 7 साल की बच्ची की माँ ने कहा, बेटा दुपट्टा सही कर लो, किसकी वजह से? एक लड़के की वजह से। कहते हैं लड़की के कपड़े छोटे हैं, छोटे कपड़े नहीं, छोटी सोच है हमारी सोसाइटी की। हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब कहां गया वो मोटिव और क्यों चुप है सब? यही पॉलिटिशियंस जब सत्ता में नहीं थे तो कहते थे कि रेप करने वाले को फांसी दो, और आज जब सत्ता में है तो कहते हैं पुलिस को कार्रवाई करने दो। ये बहुत आसान होता है कहना कि देश बदल रहा है, लेकिन देश नहीं बदल रहा, पॉलिटिशियन बदले जा रहे हैं और हमारा देश वहीं खड़ा है। वो कहां जाए, कहां रहे, कौन सा उसका घर है? अरे रात में तो क्या, अब उसे दिन में भी डर है। दिन बीते रात बीती, बीत गए साल भी, पर खबर ना बदली बलात्कार की। पता है आज रेप्स को इतना बढ़ावा क्यों मिल रहा है? क्योंकि लोगों को लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते, लोगों को लगता है कि वो सिर्फ डीपी बदल सकते हैं, देश नहीं। लेकिन यार सोच के देखो, जब हम करोड़ों लोग मिलकर सरकार बदल सकते हैं तो क्या हम लोग मिलकर इसके खिलाफ नहीं लड़ सकते? मानो या ना मानो, लेकिन हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ लोगों के लिए एक पिक्चर का विरोध करना ज़्यादा ज़रूरी है, सड़क पर आके दंगे मचाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे इंडिया के लोग हैं जो सिर्फ पिक्चर देख के हीरो बनते हैं, लेकिन यहाँ किसी को आगे नहीं आना, बस घर पे बैठ के फोटो शेयर करनी है और कहना है जस्टिस फॉर दिस जस्टिस फॉर दैट। अब तो उड़ जाओ यार, बदलाव लाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा।